नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉइज बडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ यानी UPES देहरादून का कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही हम यह भी जानेंगे UPES में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, इस यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोग इस यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे और किस तरह फिलअप कर सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डिटेल, इस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, इस यूनिवर्सिटी का कैंपस और हॉस्टल कैसा है, और इस यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे। यदि आप लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह सभी चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही सही मिल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ यानी UPES देहरादून एक प्राइवेटली मैनेज यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना UPES एक्ट के तहत साल 2009 में हुआ था। यह यूनिवर्सिटी UPES देहरादून के नाम से जाना जाता है। यह यूनिवर्सिटी फुट हिल्स के हिमालय देहरादून उत्तराखंड में है। इस यूनिवर्सिटी के दो कैंपस है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। इस यूनिवर्सिटी के पहले कैंपस का नेम है UPES बिदौली कैंपस और दूसरे कैंपस का नेम है UPES कंडोली कैंपस। दोनों ही कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। UPES का दोनों कैंपस लगभग 44 एकड़ तक फैला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी को NIRF 2021 के रैंकिंग में ओवरऑल 101 रैंक मिल चुका है, और खास करके MBA कोर्स के लिए 46 और BTech कोर्स के लिए 91 रैंक मिला हुआ है। यह यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से। दोस्तों आइए अब जानते हैं इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में BTech, बैचलर ऑफ डिजाइन, BBA, BCom, BSc, BA, मास्टर ऑफ डिजाइन, MTech, MBA, BA, PBA, BCom, LLB, LLM, LLB, MSc, MA, BCA, MCA, इंटीग्रेटेड BSc एंड MSc और इंटीग्रेटेड PhD, यह सभी कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर होते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों यहाँ देखिए, यह है इस यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिटेल। दोस्तों अभी मैं आपको सिर्फ इन सभी कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डिटेल है उसके PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके इन सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिएगा। यदि मैं इन सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इन सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को PDF से देख लीजिएगा। तो आइए इन सभी कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले बोला गया है BTech। इस कोर्स का एवरेज फीस 1.7 से 2.3 लाख तक है। दोस्तों मैं ये जो फीस बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट फीस नहीं है, एक्चुअल फीस कुछ ज़्यादा या कम भी हो सकता है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है बैचलर ऑफ डिजाइन। इस कोर्स का एवरेज फीस 2 से 4 लाख तक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट बोला गया है BBA। इस कोर्स का एवरेज फीस 1.3 से 1.6 लाख तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है BCom। इस कोर्स का एवरेज फीस 61 से 70,000 तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है BSc। इस कोर्स का एवरेज फीस 61 से 70,000 तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है MTech। इस कोर्स का एवरेज फीस 1.4 से 1.7 लाख तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है मास्टर ऑफ डिजाइन। इस कोर्स का एवरेज फीस 2.8 से 3 लाख तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है MBA। इस कोर्स का एवरेज फीस 6.51 लाख तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है BA, BBA, BCom, LLB। इस कोर्स का एवरेज फीस 1.5 से 1.9 लाख तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है LLM। इस कोर्स का एवरेज फीस 1.1 लाख तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है LLB। इस कोर्स का एवरेज फीस 1.6 से 1.9 लाख तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है MSc। इस कोर्स का एवरेज फीस 70 से 90,000 तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है BA। इस कोर्स का एवरेज फीस 80 से 90,000 तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है MA। इस कोर्स का एवरेज फीस 1.1 से 1.3 लाख तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है BCA। इस कोर्स का एवरेज फीस 60 से 70,000 तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है MCA। इस कोर्स का एवरेज फीस 80 से 90,000 तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है इंटीग्रेटेड BSc, MSc। इस कोर्स का एवरेज फीस
60,000 से 1 लाख तक है। अब यहाँ नेक्स्ट बोला गया है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, इस कोर्स का एवरेज फीस 12,000 तक है। दोस्तों तो यही है यूपीएस देहरादून के इन सभी कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में इन सभी कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं, इसीलिए आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। दोस्तों आइए अब जानते हैं आप लोग इस कॉलेज के किसी भी कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे और किस तरह फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक और एक मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पर कॉल करके या गूगल फॉर्म को फिलअप करके अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। दोस्तों आइए आप इस यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डिटेल के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट की तो हर साल बड़े बड़े कंपनियों में स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिया जाता है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, पीडब्ल्यूसी, सैमसंग, रॉयल इनफील्ड, अमेजॉन, रिलायंस, स्पेस जेट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल, वेदांता, HCL, हनीवेल, माइक्रोसॉफ्ट, मारुति सुजुकी, सिस्को, HP, IBM, इंफोसिस, पैनासोनिक और नेस्ले एक्सेट्रा, जैसे बड़े बड़े कंपनियों में इस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्लेसमेंट दिया जाता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में। दोस्तों अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी मिल जाती है, जहाँ पर 1.9 लाख से ज़्यादा प्रिंटेड बुक्स है, 2.1 लाख से ज़्यादा ई बुक्स है और फुल टेक्स्ट 50,000 से ज़्यादा ई जर्नल्स भी आपको यहाँ लाइब्रेरी में मिल जाती है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के लेबोरेटरीज़ की फैसिलिटी भी मिलती है, जैसे कि यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक लैब, केमिस्ट्री लैब, डिजाइन लैब और भी कई लैब की फैसिलिटी आपको यहाँ मिलती है। इस यूनिवर्सिटी में 12 रिसर्च सेंटर भी है, जहाँ आपको अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका भी मिल सकता है। इस यूनिवर्सिटी में आपको फूड कोर्ट या कैंटीन की सुविधाएँ मिलती है, जहाँ पर आपको हेल्दी और डिलीशियस फूड्स भी मिलती है। इस यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम और मेडिकल सेंटर भी है। दोस्तों आइए अब जानते हैं इस कॉलेज के हॉस्टल के बारे में। दोस्तों अगर बात करें इस कॉलेज के हॉस्टल के बारे में तो इस कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा भी है। यहाँ के हॉस्टल में आपको सिंगल और डबल रूम की सुविधा भी मिलती है, आप अपने हिसाब से रूम ले सकते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं इस कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं। दोस्तों अगर बात करें इस कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की तो यहाँ समय समय पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कराए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट पढ़ने के साथ साथ कुछ और अलग चीज भी सीख सके। यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में UPES एनुअल एथलीट मीट, इंट्रामुरल टूर्नामेंट, इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन, योगा एंड मेडिटेशन, खेल उत्सव और भी अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट पढ़ने के साथ साथ कुछ और अलग चीज भी सीख सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल यूनिवर्सिटी के सभी इन्फॉर्मेशन को बताया। यदि आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर विजिट करके जान सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को UPES देहरादून के बारे में पता चल गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाले सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं मैं चाहे कि एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।